ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एप्पल वर्सेस बनाना का कंपैरिजन बताया। अब आपने खुद देखना है कि आप फैट लॉस में कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हो और फैट गेनिंग में कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समान नवाज, प्रोफेशनल पार्कौर एथलीट। सो गाइस, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के मुतालिक बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या हैं, उनका जिस्म में किरदार क्या होता है, बेसिकली शॉर्टली और ब्रीफली मैंने डिफाइन किया था सबको, और वो कहाँ कहाँ से हम उनको हासिल कर सकते हैं और कितनी कितनी परसेंटेज हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का फिर छोटा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें होता क्या है। सबसे पहले आते हैं कार्ब्स आते हैं, फैट्स आते हैं, फाइबर्स आते हैं और प्रोटीन, ठीक है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। उसके अलावा कैलोरीज, वो एनर्जी लेवल होता है, कैलोरीज जो हम बर्न करते हैं उसको कैलोरीज कहते हैं। अच्छा, आज मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने बनाना और एप्पल का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन क्यों किया, क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बेसिकली फल और सब्जियों से हासिल करते हैं या गोश्त वगैरह से हासिल करते हैं, तो जब हम इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस फल के अंदर या किस एटम जो हम खा रहे हैं उसके अंदर कितनी परसेंटेज में ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। सो अब बनाना और एप्पल का कंपैरिजन है, 100 ग्राम बनाना, 100 ग्राम एप्पल। अब इसमें कितने कितने परसेंटेज है और हमें कितने कितने रिक्वायर्ड है, किसका बेनिफिट है, किसका बेनिफिट नहीं है और किस किस तरह से हमें यूज कर सकते हैं, मैं आपको सब एक्सप्लेन करने लगा हूं। सो गाइस, सबसे पहले आ गया बनाना 100 ग्राम, अब उसकी सारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गई। उस तरफ आ गया एप्पल 100 ग्राम और उसकी सारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गई। अब फैट बर्निंग में या फैट लॉस में और मसल गेन करने में कौन सी फायदेमंद है और कौन सी नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बनाना की, तो अगर हम बनाना 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें हमें 116 कैलोरीज मिलती हैं, और इन द अदर एंड अगर हम बात करें एप्पल की तो उसमें हमें 59 कैलोरीज मिलती हैं। कैलोरीज वही चीज है जो आप मतलब ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग होल वर्किंग डे आप बर्न कर रहे होते हैं, जो कैलोरीज आपकी बर्न हो रही है, जो एनर्जी आपको मिल रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैलोरीज आपको, एनर्जी आपको केला ज्यादा दे रहा है बनिस्बत सेब के, ठीक हो गया। इससे आप ये समझ लें कि जिसने लॉन्ग टर्म वर्कआउट करना है या जिसकी डेली बेसिस पे ऑफिस जॉब है या कोई भी फिजिकल जॉब है जो लॉन्ग टर्म है, उसके लिए केला ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, अब इसके बाद हम कार्ब्स की बात करते हैं। कार्ब्स को मैंने लास्ट जो डिफाइन किया था अपनी अपने वर्ड्स में वो यही था कि कार्ब बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म वर्किंग के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्ब होते हैं, वो शुगर की सूरत में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है, आप अगर बनाना की बात करें तो 100 ग्राम अगर बनाना लेंगे आपको 27 ग्राम कार्ब मिल रहा है, और अगर एप्पल लेंगे तो 25 ग्राम कार्ब मिल रहा है, यानी कि तकरीबन जो है कार्ब दोनों के सेम है। इसका मतलब 100 ग्राम चाहे केला खा लें या 100 ग्राम सेब खा लें, आपको आपका वर्किंग के लिए एनर्जी लेवल सेम मिल रहा है, ठीक है। अब ये 100 ग्राम बेसिकली फर्क आता है जब आप केले को लें या सेब को लें। इस वक्त हम कटे हुए मटेरियल की बात करें, मतलब हम केले को लेंगे तो केले के ऊपर छिलका ही बहुत ज्यादा होता है, तो आपने उस तरह से नहीं लेना इसके, हम कटिंग में एक बाउल के अंदर वजन करने के बाद 100 ग्राम की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम फैट की बात करें, बेसिकली फैट वही एसिड है जो आप जिसको आप बर्न कर रहे होते हैं ना फैट लॉस के दौरान, तो अगर फैट की बात करें, बनाना अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 0.3 ग्राम सिर्फ फैट है, यानी कि जीरो के इक्वल हो गया। अगर हम इसे निग्लिजिबल भी कर लें 0.3 को तो जीरो ही कहलाएगा। इन द अदर एंड अगर एप्पल की बात करें तो 0 ग्राम है, इसका मतलब फैट लेवल एप्पल का बनाना का जीरो है। इसका अगर आप यानी फैट लॉस कर रहे हैं या आप मसल गेन कर रहे हैं तो आप सेब खाएं या केला खाएं, वो आपके आपके फैट पे कोई असर नहीं करेगा, इसलिए आप बेफिक्र होके दोनों में दोनों चीजें खा सकते हैं। अच्छा, अगर आप फाइबर की बात करें, फाइबर क्या चीज है वो भी एक्सप्लेन कर दूं। फाइबर बेसिकली वो कहने के सेल लेवल की वो चीज है जो आपके मसल्स के अंदर मौजूद होती है, और आप इन्हीं फाइबर्स को वर्कआउट के दौरान तोड़ते हैं, यानी कि इनको डैमेज करते हैं, और फिर अपनी खुराक और रेस्ट के बाद इन्हीं फाइबर्स को दोबारा बिल्ड करते हैं। तो फाइबर्स के परसेंटेज की बात करें तो बनाना में 2 ग्राम फाइबर्स हैं और एप्पल के अंदर 3.2 ग्राम फाइबर है, यानी कि फाइबर का एक बड़ा फर्क है, छोटा फर्क नहीं, काफी बड़ा फर्क है। इससे ये हुआ कि अगर हम केला खा रहे हैं तो हमें फाइबर ज्यादा मिल रहा है, और सेब केला खा रहे हैं तो फाइबर थोड़ा मिल रहा है, और सेब खा रहे हैं तो फाइबर ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, फाइबर के बाद अगली चीज पे देखिएगा। अच्छा, प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन वो चीज है जो फाइबर्स को की रिकवरी में मदद करती है। फाइबर्स तो वो चीज है जिनसे मसल बड़ा होता है, लेकिन प्रोटीन क्या चीज है, प्रोटीन उन फाइबर्स को बनने में मदद करती है अमाइनो एसिड की सूरत में। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं, अगर बनाना की बात करें तो प्रोटीन 1.2 ग्राम है, इन द अदर एंड एप्पल की बात करें तो प्रोटीन 0.2 ग्राम है, मतलब कि ये तो फाइबर से भी बड़ा फर्क है, मतलब इसमें 1.2 ग्राम, उसमें सिर्फ 0.2 ग्राम। अगर हमें केला प्रोटीन ज्यादा दे रहा है तो हमें सेब
फाइबर ज्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अपनी राय आपको इस मुकाम पे आके अपनी राय दूं, अगर मैं इन दोनों चीजों की बात करूं, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो फैट लॉस के दौरान हो या मसल गेनिंग के दौरान हो, तो हम बेसिकली बात करें मसल्स की, तो उसके लिए हमें फाइबर्स बनाने हैं और फाइबर्स बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो एप्पल के अंदर हमें मिल रही है फाइबर ज्यादा और बनाने के अंदर हमें मिल रही है प्रोटीन ज्यादा, तो हमें तो दोनों चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं अपनी राय देता हूं तो मैं कोशिश करूंगा इन दोनों को ऑन द सेम टाइम बराबर और मिकदार में खाऊं, तो मैं इन दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैं अगर अपने मसल बिल्डिंग की बात करूंगा तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप दोनों का इस्तेमाल बराबर के मुकाम पे करें। अच्छा, अब इसके बाद आती है शुगर की बात। शुगर वही चीज है जो कार्ब्स होती है, मतलब कार्ब की ही किस्म है शुगर, ठीक है। तो शुगर जो है बनाना में 14 ग्राम है और एप्पल में 19 ग्राम है, तो तकरीबन ये इतना ह्यूज मतलब डिफरेंस नहीं है, 14 और 19 ग्राम तकरीबन बराबर ही आप कह लें इसको, इतना फर्क नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि एनर्जी लेवल आपको दोनों से सेम मिल रहा है। अच्छा, वाटर, अब मैंने वाटर को स्पेशली स्पेसिफाई कर रहा हूँ वाटर को, क्योंकि आपको इसका अंदाजा होना चाहिए कि आप जो चीज खा रहे हैं उसमें वाटर की परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से मतलब अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने आया कि 100 ग्राम ही खाना है या 100 ग्राम से खाना है, 200, 300, 400 ग्राम खाना है, इस परसेंटेज को आपको अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप बनाना की बात करें तो 75% इसमें आपको वाटर मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 25% जो है बाकी आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अब 25% न्यूट्रिएंट्स अगर आप 100 ग्राम को कंपेयर करेंगे तो 100 ग्राम में से 25 ग्राम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब वो कम है। तो आपने इसी कंपैरिजन के हिसाब से 200, 300, 400 ग्राम जितनी आपको रिक्वायर्ड है एक दिन के अंदर आपने खानी है। अगर अदर एंड पे एप्पल की बात करें तो एप्पल में वाटर इससे भी ज्यादा है, 86% वाटर है और पीछे बचता है सिर्फ 14% न्यूट्रिएंट्स। तो इसका मतलब यह है कि आपको केले से भी बनिस्बत एप्पल ज्यादा खाने की जरूरत है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एप्पल वर्सेस बनाना का कंपैरिजन बताया। अब आपने खुद देखना है कि आप फैट लॉस में कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हो और फैट गेनिंग में कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं अपनी राय आपको दूं तो भाई ये दोनों चीजें ऐसी जो आप खा सकते हो, इनमें कोई इतना फर्क नहीं है। कुछ ये लोगों के शौक का फर्क है, कुछ लोग केला खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग सेब खाना पसंद करते हैं, भाई अल्लाह की नेमत है, आप दोनों चीजें खा सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है, चाहे फैट लॉस कर रहे हो चाहे मसल गेन कर रहे हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से आपको फर्दर अल्लाह ताला की नेमतों को एक्सप्लेन करते रहेंगे, उनके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रखे हैं वो एक्सप्लेन करते रहेंगे, और क्या क्या आपके लिए फायदेमंद है, क्या क्या नुकसान है वो भी आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।